पहला सवाल है जैसा कि शायद हमने ट्रेलर में देखा कुछ ऐसी बात की गई थी आ, कि यदि सावरकर जी होते और और आम स्ट्रगल के थ्रू क्या हमें हमारी आजादी पहले मिल सकती थी क्या ये संभव था ये बिल्कुल संभव था क्योंकि नाइनटीन के पहले दशक में आ, एक मूवमेंट शुरू हो चुका था आ, एक तो सावर सीक्रेट सोसाइटीज बन चुकी थी सावरकर जी वॉज वीर सावरकर वॉज़ एट द हेल्म ऑफ इट लोकमान्य तिलक जी का उन पर हाथ था और uh, वो प्लान कर रहे थे उन्होंने गन्स इंडिया स्मगल की थी बॉम्ब मैनुअल्स इंडिया स्मगल किए थे और सबको चिट्ठी लिखी थी कि वो बगावत के लिए तैयार हो जाएं प्रिंसली स्टेट्स को फौजियों को तो 1912 तक उन्होंने ये प्लान किया था कि हम इनको इतना इतने कम तादाद में अंग्रेज़ हैं हमारे देश में कि अगर हमने इनको मारना शुरू किया Unfortunately, Lokmanya uh, Netilak died, Bir Savarkar was sent to prison, and that momentum of that movement was lost. And then, of course, the non violent movement started, which was more conducive to the British because it was not direct confrontation and it was uh, negotiations that went on for many, many, many years.

थियोरी ऑफ इक्विली ब्रियम यूज इन डिफेंस सर्कल्स इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जहाँ पर आपने भी जिक्र किया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बी आर्म्ड लेकिन ऑब्वियसली ये जो uh, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ये इतने सदियों से चल के आ रही है और हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमास के लिए उन्होंने कहा कि आप अहिंसा uh, छोड़ के पायलेंस uh, छोड़ के आप uh, इंडिया की तरह फॉलो करिए गांधी गांधीवाद बनिए तो इस चीज़ पे आप कुछ कहना चाहेंगे देखिए ये मेरी पिक्चर से रिलेटेड सवाल नहीं है फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब आप सशस्त्र होंगे तभी आप पीस टेबल पे बैठ सकते हैं नहीं तो आपको बुली ही किया जाएगा और जब दोनों साइड इक्वली आर्म्ड होती हैं तब जाके पीस होती है ना कि एक साइड अहिंसा को फॉलो करे या दूसरी साइड हिंसा को उससे कभी फील पीस नहीं होगी उससे ऑक्युपेशन होगी जयंत सर थैंक यू फॉर द ट्रेलर इवेंट सर मैं दो प्रश्न